हाय फ्रेंड, वेलकम टू अरीना डिलीशियस चैनल। सो फ्रेंड, आज हम आलू गोश्त बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी और बहुत ही सिंपल तरीका में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पे हाफ के जी बीफ लिया है और 2 मीडियम साइज का प्याज हमने कट कर लिया, और यहाँ पे हमने कर्ड भी लिया है, यहाँ लगभग 2 टीस्पून डालना है। और कुछ मसाला हमने ग्राइंड कर लिया पहले से, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और हमने यहाँ पे गरम मसाला, इलायची, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची और जिंजर गार्लिक है, और 2 से 3 पीस ग्रीन चिली। तो हमने यहाँ पे सारा मसाला को डाल देना है, मिक्स कर देना है। और हमने यहाँ पे कुछ सूखा मसाला भी लेना है, पाउडर लेना है, टर्मरिक पाउडर है 1/2 टीस्पून लगभग, और 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, हमने यहाँ पे कम ले रही हूँ रेड चिल्ली पाउडर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ग्राइंड कर दिया था ग्रीन चिल्ली भी इस वजह से। और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर यहाँ पे ले लेते हैं, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ले लेते हैं और अच्छे से इसे मिक्स कर ले। और अब हमें यहाँ पे लगभग 2 टीस्पून कर लेना है, कट ले लेना है इसमें, आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो बट मैं यहाँ पे 2 टीस्पून ले रही हूँ। और कुछ नमक डाल देना है आप टेस्ट के मुताबिक, और इसे अच्छे से मैरिनेट कर ले थोड़ा देर के लिए, अच्छे से मैरिनेट कर ले, मिक्स कर ले। लगभग आप इसे 1/2 आवर के लिए, आधा घंटा के लिए या 10-15 मिनट के लिए भी आप रख सकते हो मैरिनेट करने के बाद। और यहाँ पर मैं 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल डालना है इसमें, और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप ऑयल डाल के मैरिनेट करोगे और थोड़ा देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए आप रख दोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अच्छे से इसे मिक्स कर ले, अच्छे से मैरिनेट कर ले ताकि आपका सारा मसाला गोश्त के साथ मिक्स हो जाए और अच्छे से मैरिनेट हो। तो हम थोड़ा देर के लिए इसे रख देते हैं, 10 से 15 मिनट के लिए मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ। जब तक मैं यहाँ पर फ्राई कर लेती हूँ ओनियन को, तो चलते फ्राई कर लेते हैं और अच्छा से हीट होने दें आप। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो यहाँ पे 2 से 3 टीस्पून हम यहाँ पे ऑयल लिए हैं, क्योंकि हमारा ये जो बीफ है चर्बीदार वाला गोश्त है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा ऑयल कम किए। और यहाँ पे हीट हो गया हमारा, तो हम यहाँ पे ज़ीरा लेते हैं, थोड़ा सा ज़ीरा डाल देते हैं, अच्छा से फ्राई हो जाए आपका ज़ीरा। तो मैंने जो ओनियन लिया था कट करके, वो डाल दें आप अच्छे से, और इसे आप अच्छे से फ्राई कर ले, गोल्डन, लाइट गोल्डन फ्राई कर लें, अच्छे से फ्राई कर लें जब तक हमारा प्याज फ्राई हो जाता है। और यहाँ पे मैंने 2 तेज पत्ता लिया, हमारा प्याज भी फ्राई हो जा रहा है। और उसके बाद आपका जब मैरिनेट हो जाए तो आप इसमें मिक्स कर दो सारा मैरिनेट वाला। तो हमारा 10 से 15 मिनट हो चुका है लगभग, तो हम इसमें मिक्स कर देते हैं अच्छे से, और अच्छे से मिक्स कर ले, अच्छे से डाल ले इसमें, और अच्छे से पूरा जितना सारा मसाला है चम्मच से अच्छे से पूरा डाल दे इसमें, और स्पैचुला की मदद से आप अच्छे से इसे मिक्स कर ले, अच्छे से चला ले, फ्राई कर ले, अच्छे से भून ले थोड़ा देर के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए आप अच्छे से इसे भूनते रहें। और मैंने कुछ टोमेटो को ग्राइंड किया था, इसका प्यूरी बनाया है, वो भी हमें इसमें डालना है, बट हमें इसमें फ्राई कर ले अच्छे से इसको थोड़ा देर के लिए। फ्रेंड, हमने यहाँ पे कुछ आलू को भी फ्राई कर लिया है, क्योंकि हमें आलू भी मिक्स करना है थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे 2 आलू लिया है, कट करके अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, इसमें फूड कलर डालकर फ्राई कर लिए। और अब हम इसमें मिक्स कर लेते हैं टोमेटो प्यूरी, और इसे मिक्स कर ले, अच्छे से फ्राई कर ले। हमारा मसाला भी भुना चुका है, आप मसाला को अच्छा से भून लो, अच्छे से फ्राई कर लो, तब आप इसमें टोमेटो प्यूरी डालो टोमेटो का, ताकि आपका मसाला भुना जाए उसके बाद। और एक हम इसमें यहाँ पे गार्लिक डाल देते हैं, इसे बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आने वाला है, इस वजह से हम यहाँ पे गार्लिक डाल दिए हैं 1 पीस, और अच्छे से इसको मिक्स कर ले, अच्छे से भून ले। हमने यहाँ पे बिल्कुल भी अभी पानी ऐड नहीं किया है, क्योंकि आपका दही और टोमेटो से ऑलरेडी पानी छोड़ चुका है। और थोड़ा सा थोड़ा देर के लिए हम इसे कवर कर दिए, और अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के अच्छे से चला लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये लगभग आपका जो मसाला है भुना चुका है 50%, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी को ऐड कर लेते हैं, 1.5 ग्लास डाल देते हैं पानी। और अब हम इसमें प्रेशर कुकर को लगा देना है हमें,
और आप इसे 2 से 3 सीटी के लिए आप इसे कुक करो। तो मैं यहाँ पे 2 सीटी लगाऊंगी और उसके बाद मैं फिर से चेक कर लूंगी। तो हम यहाँ पे प्रेशर कुकर लगा दें। फाइनली फ्रेंड्स, हमारा आलू गोश्त रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमने 2 सीटी लगाया था और 2 सीटी के बाद हमने चेक किया आलू गोश्त, तो आपका गोश्त नहीं गला। तो मैंने फिर से आलू मिक्स करके 1 सीटी लगाया, मतलब 3 सीटी आपका टोटल हो चुका है। तो ये है रेडी, बिल्कुल आलू भी और गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है और ये है यमी सा टेस्टी सा आलू गोश्त रेडी। तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं, सर्व कर लेते हैं। तो प्लीज़ आप ट्राई करें अपने घर पे, इस तरह बनाकर बहुत ही क्विकली बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो प्लीज़ ट्राई करें इस तरह बनाकर, और अगर ये वीडियो आपको ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को। और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं, अब थोड़ा सा गार्निशिंग कर लेंगे धनिया पत्ता के साथ, ग्रीन चिली के साथ। उसके बाद हम सर्व करेंगे किसी चपाती में या रोटी में या फिर राइस के साथ। देन अब आप सभी से हमले रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।